बिल्कुल ब्लैकलिस्टेड करूंगा, उनको सिस्टम से बाहर कर दूंगा। एक और बात सोशल मीडिया की, क्योंकि आपने बात कही, कई सारे मीम बन रहे हैं टोल को लेकर के, कि कहीं पर भी हम जाते हैं आजकल टोल जो है वो बहुत ज्यादा देना पड़ता है। ये टोल को लेकर के जो चर्चा चल रही है कि सड़क कितने की है नहीं, उससे ज्यादा गुना टोल देना पड़ रहा है। देखो, ये कुछ बातें ऐसी है कि हमारे सब रोड पर टोल नहीं है। अब कश्मीर में हम लोग 2-3 लाख करोड़ के काम करेंगे, यहाँ थोड़ी टोल का इनकम है। टोल का इनकम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु और कर्नाटक का यही है। हमारे 1,25,000 में 42,000 करोड़ केवल टोल है। और हम आज नॉर्थ ईस्ट में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, उत्तराखंड में 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, हिमाचल में 1 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, कश्मीर में 3 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं, अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, वहाँ का टोल है। तो यहाँ से पैसे वहाँ डालते हैं। दूसरी बात, टोल के बारे में अब हम ऐसी सिस्टम ला रहे हैं कि जहाँ से जाएंगे और जहाँ से निकले उतना ही टोल देना पड़ेगा। अभी क्या होता है, 25 किलोमीटर जाते हैं और 65 किलोमीटर का टोल भरते हैं। अभी वो सिस्टम को भी बदल रहे हैं, सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम ला रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, पहले पुणे से मुंबई जाने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब आप 2 घंटे में जाते हो, तो फ्यूल और टाइम बचता है। अब ये दिल्ली से कटरा आने के लिए कम से कम 24 घंटे लगते हैं, आप 6 घंटे में आओगे तो डीजल पेट्रोल कम बचेगा, आपका टाइम बचेगा। तो देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। केवल सरकारी बजट से नहीं, हम मार्केट से कर्जा भी निकाल रहे हैं और रोड बना रहे हैं, और ओवरऑल उसमें जनता का प्रॉफिट है, एक्सीडेंट्स कम होंगे और लोगों को विशेष रूप से फ्यूल कम लगेगा, प्रदूषण कम होगा। और नेचुरली अभी जैसे मैं मजाक में कहता हूँ, बड़े बड़े होटल में आपके चैनल वालों के कार्यक्रम होते हैं, तो मैंने उनको कहा कि आपको फुकट में मिला गया होटल, आपको यहाँ 5-स्टार होटल में चाय देना पड़ता है, यहाँ का चाय 500 रुपये कप है। आपको ऑप्शन था ना रामलीला मैदान का, 10 रुपये का चाय मिलता और लॉन पर 2 कुर्सियाँ रख के आप शूटिंग कर सकते थे, पर आप रामलीला मैदान के बजाय अगर 5-स्टार होटल में आओगे तो यू हैव टू पे द प्राइस फॉर द सर्विस। तो बेसिकली क्वालिटी अगर चाहिए तो आपको प्राइस देना पड़ेगा। अब देश में एक्सीडेंट कम होना, इसके लिए करना और पूरे देश का विकास करना, केवल जहाँ ट्रैफिक है वहाँ रोड नहीं बना रहे, जहाँ वायबल नहीं है वहाँ भी बना रहे, तो यहाँ का पैसा उनको जाता है। और दूसरी बात ये भी सत्य, बीच में एक चैनल ने दिल्ली जयपुर के बारे में कहा, उसका वसूल कितने कॉन्ट्रैक्टर बदल गए और उसको डेवलप किया। मैंने खुद गुड़गांव में 4 ब्रिजेस नए बनाए, वो हीरो का, इफ्को वाला, अब वो उसमें 5,000 करोड़ के काम हमने किए और 1,000-1.5 हज़ार करोड़ के कर रहे हैं, रोड का वाइंडिंग कर रहे हैं, सर्विस रोड बना रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया नहीं। तो आखिर क्या है कि बड़े प्रमाण पर हम लगातार अपग्रेडेशन करते हैं, पैरेलल रोड बनाते हैं, टनल्स का ब्रिजेस बनाते हैं, टनल बनाते हैं। अब एक एक टनल कितनी महंगी है, हम तो देश में 250 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, उसकी कीमत ही कम से कम आप 3-1 लाख रुपए तक जाएगी। तो ये सब करना है तो पैसे लगेंगे। अभी जम्मू कश्मीर में हर जगह टनल लग रही, पूरा पहाड़ हिमालय, बिल्कुल हाँ। तो ये पैसा कहाँ से आएगा? बहुत टफ भी है बनाना। और अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात में टोल ले लेंगे तो यहाँ पैसा कहाँ से खर्चा करेंगे? डीजल गाड़ियों को लेकर